भारत में न्यायालय के प्रकार टाइप ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में 6 प्रकार के कोर्ट स्थापित किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला और अधीनस्थ कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत। भारत का शीर्ष न्यायालय राजधानी दिल्ली में स्थित है, इसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो आइए समझते हैं भारत में कितने प्रकार के कोर्ट हैं। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। यह देश का शीर्ष न्यायालय है। इसका मुख्य प्रधान न्यायाधीश होता है। राज्यों के बीच के विवाद, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारों से संबंधित याचिकाओं को यह देखता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट अभी तक 51,534 से अधिक निर्णय दे चुका है। वर्तमान में श्री एनवी रमन, जिनका पूरा नाम श्री नतालपति वेंकट रमन है, जो कि भारत के चीफ जस्टिस प्रधान न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक का होता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। देश की विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट मुख्यतः देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए काम करता है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स और जिला न्यायालयों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कार्य में भी हस्तक्षेप कर सकता है। अगला है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ये राज्य स्तर पर सीमित होते हैं और अपने राज्यों के विवादों को निपटाते हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। हाई कोर्ट्स का मुख्य काम निचली कोर्ट्स की अपील और रिट याचिका का निपटारा करना होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र होता है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद करते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। सभी हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। अगला है जिला और अधीनस्थ न्यायालय, द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशियरी। देश में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिला न्यायाधीश सभी सिविल मामलों और आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करते हैं। सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय हाईकोर्ट के अधीन होते हैं। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते हुए क्रम में जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं। अगला है ट्रिब्यूनल। सामान्य तौर पर ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है जिसके पास न्यायिक काम करने का अधिकार हो। ट्रिब्यूनल कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं, जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल में सुनवाई तेज होती है और फैसले भी जल्दी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश में कुल 18 ट्रिब्यूनल हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से ट्रिब्यूनल होते हैं। फर्स्ट, बिजली के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, सशस्त्र सेना ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। थर्ड, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। फोर्थ, केंद्रीय प्रशासनिक आयोग, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन। फिफ्थ, कंपनी लॉ बोर्ड। सिक्स्थ, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेवन्थ, प्रतियोगिता अपीलेट ट्रिब्यूनल, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। एट्थ, कॉपीराइट बोर्ड। नाइन्थ, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल। टेंथ, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। इलेवेंथ, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलेट ट्रिब्यूनल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इलेवेंथ, आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। थर्टींथ, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 14th, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। 15th, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 16th, भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 17th, टेलीकॉम निपटान और अपीलेट ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। और 18th, दूर संचार नियामक प्राधिकरण,
टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। लोकसभा में 3 अगस्त को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 को मंजूरी मिल चुकी है। 9 अगस्त को यह राज्यसभा से भी पास हो चुका है। लोगों की सहूलियत के लिए 9 ट्रिब्यूनल को बंद किया जा रहा है, अर्थात आपको जो ऊपर 18 ट्रिब्यूनल बताए गए थे इनमें से 9 ट्रिब्यूनल को बंद कर दिया जाएगा और इनमें जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट को वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगला है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक अदालतों की कार्य प्रणाली ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट की तरह ही होती है। ये महिलाओं के साथ किए गए अपराधों के निपटारे के लिए प्रसिद्ध हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक महीने में 12 से 15 मुकदमे निपटाए जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए और आरोपियों को जल्द सजा देने के लिए इन कोर्ट की स्थापना की गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य ध्यान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा के मुकदमों का निपटारा करना है। इस समय देश में लगभग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रही हैं। और लास्ट है लोक अदालत पब्लिक कोर्ट। लोक अदालत विवादों के निपटारे की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यह ग्राम पंचायत और पंच परमेश्वर के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय, अर्थात पब्लिक कोर्ट। मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले में, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद और विभाजन के दावे जैसे मामलों को लोक अदालत अच्छी तरह से निपटाती है। यह सिर्फ न्याय ही नहीं करती बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है। लोक अदालत के अनेक लाभ हैं। इसमें वकील की फीस पर खर्च नहीं होता, कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती, किसी पक्ष को सजा नहीं मिलती, समझौते के द्वारा विवाद को सुलझाया जाता है, लोक अदालतों में मुआवजा हर जाना तुरंत मिल जाता है, मामलों का निपटारा तुरंत हो जाता है, इसमें आसानी से न्याय मिल जाता है। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी लॉ की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डिमोले आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।